आपका सुषमा की रसोई में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से एक रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी भी आपको पहले की रेसिपी की तरह पसंद आए। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो नीचे लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क लिया हुआ है और इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे तरीके से। पहले तो मैं गैस को ऑन कर देती हूँ यहाँ पे। तो दूध को देखिए बॉईल आना शुरू हो गया है। तो अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार बीच बीच में चलाते हुए इसको हमें गाढ़ा करना है। ये देखिए इस तरीके से जो इसका ये साइड में जो मलाई आ रही है इसको अंदर की तरफ करते हुए हम इसको गाढ़ा करेंगे अच्छे तरीके से। तो दूध को मैंने दूसरे पर शिफ्ट कर दिया है। अब बना लेते हैं चाशनी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ लगभग 400 ग्राम मैंने यहाँ पे चीनी ली है और उतना ही मैं यहाँ पे पानी डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और अब चीनी को हम मेल्ट कर लेंगे। चीनी हमें बहुत गाढ़ी एक तार की चाशनी नहीं चाहिए, बस इतनी चाहिए कि बस ये हाथ में चिपके। तो यहाँ पे देखिए चीनी जो है सारी मेल्ट हो चुकी है और इसमें बॉईल भी आना शुरू हो चुका है। देखिए बस हाथ में लगा के देखते हैं तो ये शहद की तरह चिपक रही है। बस इतना ही चाहिए हमें। और यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच डाल रही हूँ इलायची पाउडर, तो वो भी मिला सकते हैं इसमें। और आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी मिला सकते हैं अगर आपको इलायची पाउडर पसंद नहीं है। तो चाशनी तैयार है और अब देख लेते हैं यहाँ पे हम रबड़ी को। तो यहाँ देखिए रबड़ी जो मैंने है यहाँ पे इसको और गाढ़ी होती जा रही है, इसको हमें और गाढ़ा करना है। तो ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है, एकदम बढ़िया से गाढ़ी हो चुकी है ये। तो अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। तो 2 चम्मच यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ और कर लूँगी इसको अच्छे तरीके से मिक्स। तो ये देखिए जो हमारी रबड़ी है वो तैयार है, रबड़ी बनके यहाँ पे। और यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कप ले रही हूँ देसी घी, ये मेल्ट किया हुआ देसी घी है। और यहाँ मैं कुछ बर्फ़ के टुकड़े ले रही हूँ। अब इसको हम देखिए इस तरीके से घुमाना शुरू करेंगे, इसको हमें अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये देखिए तुरंत ही ये एकदम स्मूद होना शुरू हो जाएगा। कैसे ये वाइट हो रहा है देखिए, इसको और हमें अच्छे तरीके से फेंट लेना है। अच्छे तरीके से फेंटेंगे, ये देखिए एकदम ये स्मूद हो जाएगा, एकदम मक्खन की तरह स्मूद हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से फेंटना है। देखिए जितना आप अच्छे तरीके से फेंटेंगे ये उतना अच्छा हमारे घेवर बनेंगे। तो ये देखिए अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना है। अगर आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं बीच में तो थोड़ी देर आप रुक सकते हैं और जो बर्फ़ है उसको निकाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे। ये देख सकते हैं कितना ये वाइट हो चुका है। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है हमें। थोड़ा सा हाथ में दर्द होता है लेकिन अच्छे तरीके से फेंटेंगे तभी जो घेवर है एकदम बढ़िया बनेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है, जो एक्स्ट्रा इसमें जो बर्फ़ वो बच गए हैं वो निकाल लेंगे। तो मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ, लगभग मैंने इसको 10 मिनट अच्छे से फेंटा है। और अब मैं यहाँ पे डालूँगी, यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा लिया है, लगभग 400 ग्राम के करीब मैदा लिया है यहाँ पे मैंने। तो अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके इसमें फेंटूंगी अच्छे तरीके से। थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और फेंटेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे नहीं तो लम्ब्स बन जाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालेंगे और अच्छे से फेंटते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे और फेंटते जाएंगे। अच्छे तरीके से फेंटना है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एकदम ठंडा पानी, एकदम चिल्ड पानी चाहिए यहाँ पे हमें, एकदम चिल्ड वाटर चाहिए। तो देखिए अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको अच्छे तरीके से फेंटेंगे। जितना स्मूद आपका बैटर होगा उतना ही बढ़िया आपके घेवर बनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमें इसको अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा डालते हुए मैदा, मैंने यहाँ पर अब सारा मैदा डाल दिया है और उसको अच्छे तरीके से हमें फेंट लेना है। ये देखिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज कर रखा है इसलिए आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको अच्छे तरीके से फेंटते जाना है, पानी इसमें और डालना है, फेंटते जाएंगे इसको अच्छे तरीके से, फेंटते जाना है, फेंटते जाना है। देखिए कितना स्मूथ जो है वो बैटर हो गया है। पानी इसमें और डाल देंगे हम। और पानी डालना है, लम्ब्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए इसमें। तो यहाँ मैंने देखिए और एकदम चिल्ड हमारा जो है पानी होना चाहिए, एकदम चिल्ड वाटर होना चाहिए पानी। तो अब मैं इसको विस्कर की सहायता से अच्छे से फेंट ले रही हूँ। यहाँ पे पानी और डाल लेंगे।
तो यहाँ देखिए ये मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, और ये और यहाँ मैं ले रही हूँ एक बड़ा चम्मच ले रही हूँ यहाँ पे मैं नींबू का रस, तो ये भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए जैसे दूध होता है ना, बिल्कुल वैसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये देखिए जो हमारा जो ये मिक्सचर है, जो बैटर है, वो बन के तैयार है। और यहाँ मैंने एक पतीले में ऑयल ले लिया है, और ऑयल जो है बहुत गर्म होना चाहिए, एकदम गर्म, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैंने एक लैडल से लगभग 4-5 बार डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से डालते जाना, और बीच में डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ अगर आप डालेंगे तो जो है वो जो तेल है ऊपर आ जाएगा और आप जल सकते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और फ्लेम को एकदम हाई पे ही रखना है। और जैसे ही झाग आने बंद हो जाए वैसे ही फिर दोबारा डालना शुरू करना है। झाग जब बंद हो जाए तो फिर मिक्सचर डालना शुरू करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से करते जाना है, और ये देखिए जाली बननी शुरू हो जाएगी। और इसको इस तरीके से चम्मच की सहायता से इसको साइड करते जाएंगे। फ्लेम को हमें हाई पे ही रखना है, लो मत करिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से करते जाना है, डालते जाना है, करते जाना है, डालते जाना है। थोड़ा थोड़ा जो है बैटर वो डालते जाएंगे, जब झाग आने बंद हो जाए तब फिर दोबारा डालें। इसी तरीके से ये प्रोसेस करते जाना है, और फ्लेम को एकदम हाई पे ही रखना है। घेवर हाई फ्लेम पे जलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। फ्लेम बिल्कुल भी लो मत करिएगा, ये हाई फ्लेम पे ही घेवर बनते हैं। हलवाइयों के पास तो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, वो एक एक कढ़ाई में कई सारे घेवर बना लेते हैं। तो ऐसे ही आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं इसको। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैं यहाँ डालती जा रही हूँ, उसमें थोड़ा 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 बैटर डालते जाना है, और घेवर जो है बहुत बढ़िया से बनता जाएगा। और साइड करते जाएंगे, जैसे ही झाग आना बंद हो जाए वैसे ही आप फिर डालें। थोड़ा सा बस ट्रिक चाहिए होता है जब आप बैटर तैयार कर रहे हों तो, उसमें बिल्कुल भी लम नहीं होना चाहिए। जब आप घी को फेंट रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से फेंटें, लगभग 10 मिनट तक उसको अच्छे से फेंटें, जब तक वो एकदम मक्खन की तरह स्मूथ ना हो जाए। बिल्कुल भी लम नहीं रहना चाहिए। जब मैदा डाल रहे हैं तो उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और उसमें जब आप बैटर जब उसका बना लें तो उसमें नींबू का रस ज़रूर डालें। वैसे कुछ सावधानियां जो हैं बरतनी पड़ती हैं, तो जो घेवर है वो बहुत ही बढ़िया बन के आता है। तो देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ, डालती जा रही हूँ। झाग जब बंद हो जा रहा है तब मैं दोबारा बैटर डाल दे रही हूँ। इसी तरीके से डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे, डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो अब हमें जो तेल है वो इसके ऊपर डालते जाना है अच्छे तरीके से, ताकि ऊपर से भी जो घेवर है वो अच्छे से पक जाए। जब आप बैटर डालना बंद कर दें तब फिर ऊपर से तेल डालना शुरू करें। साइड कर लें इसको। तेल जो आप पतीले में ले रहे हैं वो आधे से थोड़ा ऊपर होना चाहिए तेल, चाहे घी लें, देसी घी लें, या चाहे डालडा लें, चाहे रिफाइंड ऑयल लें, कोई भी आप अगर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वो पतीले से या किसी भी चीज़ में आधे से थोड़ा ऊपर होना चाहिए और एकदम गर्म होना चाहिए। तो देखिए अब मैं ऊपर से भी इसको अच्छे से सेक रही हूँ, तेल डालते जाएंगे, कोनों में भी डालते जाना है। अगर तेल अगर अच्छे से नहीं पकेगा सारे साइड से तो वो छोड़ेगा नहीं पतीले को, घेवर पतीले को छेड़ेगा नहीं। तो ये देखिए मैं साइड में भी तेल डालती जा रही हूँ, और वो अपने आप ही फिर छोड़ देगा घेवर जो है, वो अपने आप पतीले को छोड़ देगा। ये देखिए इस तरीके से मैं साइड में डालती जा रही हूँ, ताकि ऊपर से भी घेवर जो है वो अच्छे से पक जाए, कच्चा ना रहे। तो इस तरीके से हमें डालते जाना है, बहुत सावधानी से ये काम करना है, क्योंकि फ्लेम जो है वो बहुत हाई पे होती है, तो बहुत सावधानी से ये काम करना है। और ये देखिए धीरे धीरे ये अपने आप ही छोड़ने लगेगा किनारों को। तो मैं भी आपको निकाल के भी दिखाऊंगी इसको। तो देखिए घेवर देखिए कैसे डूबने लग गया है, ये देखिए। और अब इसको अब निकाल लेते हैं। तो ये देखिए घेवर जो है कितना बढ़िया बन के निकल के तैयार है,
तो इसको मैं अब निकालूंगी, एक कटोरी पे निकालूंगी ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए इस तरीके से। और दोबारा बना लेंगे हम इसी तरीके से। तो दोबारा वही तेल जो है बहुत गर्म होना चाहिए, और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बनाते जाएंगे। यही प्रोसेस हमें सेम करना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और जब झाग बंद हो जाए उसके बाद फिर दोबारा डालें, तो यही करते जाना है हमें। अगर आप जो घेवर का घोल जो एकदम पतला रखेंगे तो जो आपका घेवर आप जब बनाएंगे तो जब उसको निकालेंगे तो वो टूट सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे बैटर को तो आपका जो घेवर है वो नीचे जाके बैठ जाएगा और निकलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो मीडियम कंसिस्टेंसी में इसको रखना है, जैसे दूध होता है बिल्कुल वैसे ही हमें रखना है इसको। तो ये भी जो घेवर है देखिए बन के तैयार है, इसको भी निकाल लेते हैं और देखिए कितने बढ़िया से बन के बन गया है। ऐसे ही मैं यहाँ पे तीसरा घेवर भी बना रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो में काट के दिखा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले वाला मैंने आपको पूरा दिखाया है। सेम वही प्रोसेस से करना है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे जब वो बन जाए तो ऊपर से इसको तेल से अच्छे तरीके से हमें पका लेना है डालते हुए, और किनारी जो है वो अपने आप ही छोड़ देगी। इस तरीके से बनाते जाना है, करते जाना है तेल से ऊपर, ये देखिए किनारी जो है वो छोड़ती जाएगी, घेवर जो है सारा किनारा जो है छोड़ देगा। और इसको भी मैंने निकाल लिया है और इसको भी मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने तीन घेवर बना के तैयार किए हैं, आप देख सकते हैं, और एक्स्ट्रा जो है बिल्कुल कितनी जाली इसमें बन के तैयार हुई है। तो यहाँ जो चाशनी बना के रखी थी अब इसमें हम डुबा लेंगे, तो इस तरीके से देखिए मैं डुबा ले रही हूँ। और अब इसको मैं चम्मच की सहायता से चाशनी इसके ऊपर अच्छे से इसके ऊपर पोर कर दूंगी, या देखिए इस तरीके से मैं पोर कर दे रही हूँ अच्छे तरीके से। कई लोग क्या करते हैं, चाशनी जो है वो कटोरी पर रख लेते हैं और ऊपर से डालते हैं। अगर आप ऐसे डालेंगे तो जो घेवर है आपके बहुत नरम बनेंगे, चाशनी में डूब जाएंगे और बहुत ही अच्छा जो चाशनी है वो अच्छे से घेवर के अंदर चली जाएगी, अच्छे से चाशनी जो है वो अब्जॉर्व कर लेगी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर डिप कर लिया है, और इसको अभी अब मैं निकाल लूँगी कटोरी पर ताकि जो एक्स्ट्रा जो इसका चाशनी है वो निकल जाए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे तीनों जो घेवर हैं वो बना के तैयार कर लेंगे चाशनी में डिप करके। देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैं रखूँगी और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जाली जो है बन के तैयार हुई है। तो यहाँ मैं दूसरा घेवर भी इसी तरीके से डिप कर ले रही हूँ, सारे घेवर को इसी तरीके से डिप कर लेना है चाशनी में अच्छे तरीके से। अच्छे से चाशनी में डुबोना है। कई लोग एक तार की चाशनी बनाते हैं, लेकिन अगर आप एक तार की चाशनी बनाएंगे तो वो सख्त हो जाएगा घेवर जब उसके आप चाशनी डालेंगे। तो चाशनी जो है वो हमें बस ऐसी ही बनानी है, बस वो हाथ में चिपके जैसे शहद चिपकता है। तो देख सकते हैं घेवर जो है कितना बढ़िया दिख रहा है बनने पे। तो तीनों पे मैंने चाशनी को चाशनी से अच्छे से कोट कर लिया है, और अब आती है इसको सजाने की बारी। तो इस पर मैं रबड़ी जो बना के रखी है वो मैं लगा दूंगी अच्छे तरीके से इस पर, और रबड़ी भी जो हमारी जो है कितनी बढ़िया लग रही है देखने पर, ये देखिए। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हम फैला लेंगे चारों तरफ, और यहाँ मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स इसको सजा ले रही हूँ। मेरे पास कुछ बादाम है, पिस्ता है, उससे मैं सजाऊंगी। तो अब मैं पिस्ता से सजा ले रही हूँ, आप जिससे भी सजाना चाहें उससे सजा सकते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे ये। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से तीनों घेवर को अच्छे से बढ़िया से सजा लिया है, देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में भी एकदम बाजार जैसे लगेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेंगे। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।